पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का कहर छाया हुआ है और इसी बीच अच्छी खबर यह है कि हमारे देश में भी कोरोना से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। 16 जनवरी को देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन की खेप पहुंचना जारी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा जो पूरे देश को कवर करेगा। लॉन्च के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 3006 वैक्सीनेशन केंद्र जुड़ेंगे। उद्घाटन के दिन प्रत्येक सेंटर पर 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। वहीं कोरोना का सबसे पहला टीका मध्य प्रदेश के हरिदेव को लगेगा। जी हाँ, इनसे मिलिए, ये हैं हरिदेव, जिन्हें सरकार की तरफ से कोरोना का सबसे पहला टीका लगने जा रहा है, जिसके लिए इन्होंने परिवार को भी मना लिया है। 53 साल के हरिदेव फिलहाल जेपी अस्पताल में सुरक्षा कर्मी है। हरिदेव का कहना है कि सबसे पहले टीका लगवाने की उन्हें काफी खुशी है। वहीं उनका मानना है कि जब वे सबसे पहला टीका लगवाकर पीएम मोदी से बात करेंगे तो ये खुशी और बढ़ जाएगी। हरिदेव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वो 2.5 साल से जेपी अस्पताल में सुरक्षा कर्मी है और वो कोरोना काल में पिछले 6 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो अस्पताल आने जाने वालों को गाइड करके उनकी मदद करते थे। उसी मेहनत का ये इनाम मिला है कि उन्हें पहली वैक्सीन के लिए चुना गया है। हरिदेव ने ये भी बताया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उनकी मुख्यमंत्री से बात होगी, लेकिन अब उनको सीधा प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला है। वो खुद को लाखों लोगों में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझते हैं। पता चला कि वैक्सीन लगवाना है, लोग डर रहे थे, मगर मैंने आगे बढ़ के कहा कि मुझे लगाइए सबसे पहली वैक्सीन। क्या होता है डर, तो मैंने वैक्सीन के लिए हाँ कर दिया और मुझे वैक्सीन सबसे पहली लग रही है। अब प्रधानमंत्री से मिलने का या बात करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिलेगा और मैं बात करूंगा सर। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना का टीका 16 जनवरी सुबह 9 बजे से लगना शुरू होगा। सबसे पहले ये टीका फ्रंटलाइन वर्कर्स, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और राजस्व अमले को लगाया जाएगा। इसे लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई। वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेशनल हेल्थ मिशन के अफसरों के साथ गुरुवार को बैठक की। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टरों को भी निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि लोगों को टीका सरकार के जरिए तय चरण के हिसाब से ही लगेगा। शिवराज की सिफारिश भी इस मामले में काम नहीं आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों से वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं। लोगों को वैक्सीनेशन सरकार के जरिए तय चरणों के हिसाब से ही लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम न फैलाने की अपील भी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धर्मगुरु और सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग की अपील की है। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि वो दूरदर्शी हैं, इसलिए कोरोना के संकट की पहचान कर मार्च से ही देश में व्यवस्थाएं संभाल ली गई। लॉकडाउन से व्यवस्थाएं करने का समय मिल गया था। प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश एकजुट हुआ। यही वजह है कि कोरोना मध्य प्रदेश में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ और समय रहते सभी प्रबंध कर लिए गए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वैक्सीन संजीवनी बूटी है, लेकिन फिलहाल सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी नहीं भारत वर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।